जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, मोटापा एक अभिशाप है। ऑब्सेसिटी यानी कि अधिक वजन होने के कारण न केवल व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है बल्कि उसे धीरे धीरे बहुत सारे रोग घेरने लगते हैं। ये सच है कि यदि एक बार व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है तो लाख चाहने पर भी पतला नहीं हो पाता है। वह कुछ दिन डाइटिंग व्यायाम भी करता है लेकिन थक हार कर फिर वो बैठ जाता है और धीरे धीरे मोटापे को अपना भाग्य मानकर उससे समझौता कर लेता है। व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक श्रम भी कम होता चला जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मोटापा कम करने के ऐसे नुस्खे और तरीके जो बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले है, वजन कम करने के लिए आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो मोटापा घटाने के साथ साथ चेहरे की झुर्रियों को भी समाप्त करता है, लेकिन ग्रीन टी को बिना चीनी के पीने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। अगला है, एप्पल साइडर विनेगर को जूस या पानी किसी के भी साथ मिलाकर पीने से मोटापा और कोलेस्ट्रॉल दोनों में शीघ्र कमी आती है। अगला, एक चम्मच पुदीने के रस को 2 चम्मच शहद में मिलाकर नित्य लेने से भी मोटापा कम होता है। नींबू, अंगूर, बेर और संतरे आदि का नित्य सेवन करें। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये फैट को जल्द ही बर्न करके आपके शरीर को शेप लाने में मदद करता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो 10 दिन सुबह शाम खाली पेट एक ताजे पान के पत्ते में 5 साबुत काली मिर्च रख कर खाएं, फिर 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। 10 दिन के बाद इसका केवल सुबह ही सेवन करें। इसका सेवन लगभग 3 महीने तक करें, आपके शरीर की पूरी फालतू चर्बी गल जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि पान के पत्ते सूखे या काले ना हों। वजन कम करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है मिर्च खाना। मिर्च में पाए जाने वाले तत्व कैप्साइसिन से भूख कम होती है लेकिन ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। हरी या काली मिर्च दोनों ही फायदेमंद होती हैं। अगर आप मोटापे से मुक्ति चाहते हैं तो अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में रांगे से बनी अंगूठी पहनिए। इसे आप किसी भी रविवार के दिन थोड़ा सा काला धागा अपनी अनामिका उंगली में लपेट कर इसके बाद रांगे की धातु से बनी अंगूठी को उस धागे के ऊपर इस प्रकार पहन लें कि वह काला धागा दिखाई ना दे। रांगे की अंगूठी सोना चांदी आदि धातु का व्यापार करने वालों की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। मोटापा कम करने, स्लिम दिखने के लिए 1 बर्तन में 1/4 गिलास हल्का गर्म पानी लेकर उसमें 1 बड़े नींबू को काट कर निचोड़ें, फिर उसमें 50 ग्राम हरे धनिए को साफ करके पीस कर अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें आप स्वादानुसार नमक या सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। अब इस हेल्दी जूस को सुबह खाली पेट लगातार 15 दिनों तक लीजिए। इसके बाद 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। इस जूस को लगातार खाली पेट 15 दिन तक लेने से आपका वजन 5 किलो तक कम हो सकता है। ध्यान दें कि धनिया ताजा होना चाहिए, पुराना सूखा मुरझाया धनिया नहीं होना चाहिए। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।